अच्छा आपको सीएफ मालूम करना आता है जी, इस तरह क्या फार्मूला है उसका? डाया मल्टीप्लाई 3^14. अच्छा एक और है कि डाया बड़ा होता है कि रेडियस? डाया। अच्छा अगर दायरा लगाना है, सर्कल लगाना है, डाया है 600 मिलीमीटर ठीक है, तो प्रकार कितनी खोलेंगे? खोलेंगे आप 300 मिलीमीटर. 300 मिलीमीटर क्या होगा आपके पास? रेडियस. रेडियस होगा. अच्छा रेडियस है 300 मिलीमीटर ठीक हो गया, तो सीएफ मालूम करना है तो क्या करेंगे? सभी पहले रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, फिर जो डाया आएगा उसको मल्टीप्लाई 3^14 के साथ कर देंगे और सीएफ मालूम. अच्छा सीएफ मालूम हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद. आज की वीडियो बहुत अहम है, आज हम इंट्रो सेशन करेंगे पाइप फिटर और फैब्रिकेटर का, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, आपको तफसीली तौर पे जवाब दिया जाएगा. तो अब चलते हैं हम इंट्रो सेशन की तरफ. देखिए बेटा इंट्रो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो इन फ्यूचर आपको काम दी जाएंगी. देखिये आप कहीं भी जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके लिए आपको सीवी रिक्वायर्ड होती है. सीवी पे आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने किस कंपनी में काम किया, कितने टाइम पीरियड के लिए किया और किस डेजिग्नेशन पे काम किया, ये सारी तफसील होनी चाहिए. लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई भी फेक डिटेल आपने ऐड नहीं करनी. और जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, और ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा कि मैं पास होऊंगा. देखें कि आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है ठीक है, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना. और उसके बाद जो कि जब आप इंटरव्यू देने लगे तो आपने क्या है कि पहले सवाल सुनना है, सवाल को समझना है, उसके बाद आपने जवाब देना है. ये नहीं करना कि अभी सवाल हो रहा होता है और जवाब दे देते हैं, सवाल कंप्लीट नहीं होता और जो आप जवाब देते हैं वो भी गलत देते हैं, फिर आप क्या कहते हैं जी मैंने सवाल नहीं ठीक सुना या मैंने तो ये समझा था. इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है, क्वेश्चन करने वाला है, उसका कोई कसूर नहीं, वो आपकी अपनी गलती है कि आपने सवाल नहीं सुना. सवाल सुने, कोई कंफ्यूजन है उसे क्लियर करें और उसके बाद उसका जवाब दें. जवाब देने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा. तो ये जो मैंने बताया इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है इन फ्यूचर ठीक है. पहले सवाल सुनना है, उसके बाद जवाब देना, और सीवी आपने अच्छे तरीके से बनानी है, उसमें किसी किस्म की फेक डिटेल नहीं होनी चाहिए. अब आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? अच्छा आप अपना नाम बताएं बेटा. मेरा नाम मोहम्मद रिजवान वाद गुलाम शबीर. मेरा नाम मोहम्मद अबू हरारा वाद मोहम्मद सलीम. अच्छा आपको पीपीएस के बारे में पता है? यस सर. बताएं पीपी किसे कहते हैं? पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. वो क्या क्या है बताएं? जाती फास्ट इस्तेमाल, सेफ्टी हेलमेट, गागल, एयर प्लग, कवरऑल, कॉटन ग्लव्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हार्नेस. अच्छा और आपको पता है हेलमेट के बारे में कि अगर वो होगा व्हाइट कलर का तो क्या पता चलेगा उसे? वो सुपरवाइजर का. अच्छा अगर वो होगा रेड कलर का तो वो सेफ्टी वाला. अच्छा और अगर वो ग्रीन कलर का होगा? सेफ्टी ऑफिसर का. सेफ्टी ऑफिसर का. अच्छा उसके बाद आपको पता है सेफ्टी हार्नेस किस साइड पे इस्तेमाल होता है? 6 फुट की हाइट पे. अगर उससे 6 फुट से ज्यादा हो जाएगी फिर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर. अच्छा इसके बाद आपको पता है हाउस कीपिंग क्यों करते हैं? जी सर, काम शुरू करने से पहले, काम के दरमियान और काम खत्म करने के बाद अपने वर्किंग एरिया की सफाई करना. अच्छा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाथ साथ पेश आएंगे, प्रोग्रेस में कमी होगी. ठीक हो गया. अच्छा आपको पता है ये क्या है? मीटर टेप. ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज की माइस लेने के लिए मीटर टेप का इस्तेमाल. अच्छा ये 520 सेंटीमीटर पे खोले? क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि सर ये 500 सेंटीमीटर की. और ये कितने मीटर की हो गई? ये 5 मीटर की. कितने मिलीमीटर है ये? 5000 मिलीमीटर. एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर. और एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर. अच्छा एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 मिलीमीटर. और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 0.54 सेंटीमीटर. अच्छा और एक फीट में कितने मिलीमीटर होते हैं? 304.8 मिलीमीटर. 304.8 मिलीमीटर. अच्छा आप टूल्स के बारे में आपको पता है? जी. टूल्स किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो हमें काम करने में मावन साबित हो, टूल्स कहते हैं. मददगार साबित हो उन्हें टूल्स कहते हैं ठीक है. अच्छा अब ये कौन से टूल है ये वाले जो है? ये पावर टूल. पावर टूल किसे कहते हैं? ऐसे टूल जो बर्की यानी बिजली की मदद से चलते हैं, पावर टूल कहते हैं. अच्छा अच्छा उसके बाद आपको पता है कि ये क्या है? ये स्पाइनर है. अच्छा ये क्या इस्तेमाल, किस इस्तेमाल आता है? ये फिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है. इसके जरिए किस चीज की फिटिंग करते हैं? नट बोल्ट के लिए. नट बोल्ट के लिए. अच्छा थंब रूल के मुताबिक आप ये बताएं कि जो के बोल्ट का जो डाया है वो है 8 मिलीमीटर. अब उसके हेड के साइज के मुताबिक हम स्पाइनर किस तरह मालूम करें, कौन सा साइज का स्पाइनर? सर जी डाया ना 8 मिलीमीटर, उसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा तो वो सर जी स्पाइनर का साइज, वो स्पाइनर का साइज आ जाएगा.
अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि ये AG4, AG5, AG7, AG9, ठीक है। अब AG4, 5, 7 एंड 9 क्या है? AG हमें क्या बताता है? AG बताता है एंगल ग्राइंडर, और जो 4 है सर जी, हाँ, क्योंकि सर जी वो 4 सर जी डिस्क का साइज है। और जो 7 है वो क्या बताएगा? वो भी सर जी डिस्क का साइज बताएगा, क्योंकि 7 इंच की जो कि वो डिस्क लगेगी। अच्छा, आप देखिए ये जो ऊपर नट लगता है जब डिस्क फिटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये बताएंगे जब हम ग्रैनी डिस्क लगाएंगे तो जो इसकी मेल साइड है ये नीचे को होगी कि ऊपर को होगी जब हम ग्रैनी डिस्क लगाएंगे? नीचे को होगी। और जब कटिंग डिस्क लगाएंगे तो फिर क्या होगा? सारी फीमेल नीचे होगी और मेल ऊपर होगी सर। ऊपर होगी। अच्छा, ये डिस्क है जी, ठीक है। और ये डिस्क कौन सी है, कटिंग है ग्रैनी? ग्रैनी है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर जी इसकी 6 मिली थिकनेस है। अच्छा, और जो कटिंग होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर होती है। अच्छा, पावर कटर को कितने साइज की डिस्क लगती है? 14 इंच। अच्छा, जो पावर कटर की डिस्क है वो अगर छोटे साइज में होगी, वो 8 इंच या 7 इंच की हो गई है, तो हम AG9, 5 को या किसी को लग जाएगी वो? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि शायद जो उसका दरमियानी होल है वो 1 इंच है। और इसका कितना है? इसका 22 से 23 मिली। इसका 22 से 23 मिली है। अच्छा, ये क्या है? ये सेंटर पॉइंट। अच्छा, सेंटर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मार्किंग को वादा करने के लिए हम सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल। अच्छा, इसका पता है इसे क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये क्या काम आता है? ये इंडा और डाय और ग्राइम में लूम करने के लिए। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे मार्किंग? इंडा है। और यहाँ से आउट डाय और यहाँ से ग्राइम लूम। अच्छा, और ये क्या है? ये माइक्रोमीटर और सिक्रिकल। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम किसी भी चीज की थिकनेस में लूम करते हैं तो माइक्रोमीटर या सिक्रिकल का इस्तेमाल। अच्छा, इसके बाद आपको पता है ये क्या है? ये पेंसिल ग्राइंडर है। और ये आगे क्या है? ये स्टोन है। ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ एंगल ग्राइंडर नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए ये फिनिशिंग करने के लिए पेंसिल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया। अच्छा, और ये क्या है? राइट एंगल। और इसका और क्या नाम है? ट्राई स्क्वायर। अच्छा, और ये क्या है? ये 45 डिग्री। ये 45 का हो गया। अच्छा, 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री? यहाँ पे सर। ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं राइट एंगल का? राइट एंगल सर जी किसी भी चीज का फेस चेक करने के लिए। अच्छा, और सर जी किसी फ्रेम को 90 डिग्री में करने के लिए। अच्छा, और सर जी किसी प्लेट को, हाँ, सर जी किसी प्लेट को फेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लेट का फेस भी चेक किया जाता है, पाइप का फेस भी चेक किया जाता है इसकी मदद से। 45 और 90 डिग्री का भी इस पे मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये कौन कौन से साइज में होते हैं? ये 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच। अच्छा अच्छा, उसके बाद 2 फिट में कितने इंच होते हैं? 24 इंच। 24 इंच। अच्छा, ये क्या है आप बताए? ये सिक्रेट लेवल। अच्छा, अब ये कौन से डिग्री में है? ये 180 डिग्री। अच्छा, अब ये कौन सी डिग्री होगी? ये इसकी 90 डिग्री। और यहाँ पे कौन सी डिग्री बन जाएगी? ये 45। यानी कि स्प्लिट लेवल है किसी भी चीज को लेवल करने के लिए 180 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या के स्प्लिट लेवल का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको CF मालूम करना आता है? जी। किस तरह, क्या फार्मूला है उसका? डाया मल्टीप्लाई 3/14। अच्छा, एक और है कि डाया बड़ा होता है कि रेडियस? डाया। अच्छा, अगर दायरा लगाना है, सर्कल लगाना है, डाया है 600 मिलीमीटर, ठीक है, तो प्रकार कितनी खोलेंगे? खोलेंगे आप 300 मिलीमीटर। 300 मिलीमीटर क्या होगा आपके पास? रेडियस। रेडियस होगा। अच्छा, रेडियस है 300 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो अब CF मालूम करना है तो क्या करेंगे? सर जी पहले रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो डाया आएगा उसको मल्टीप्लाई 3/14 के साथ कर देंगे और CF मालूम हो। अच्छा, CF मालूम हो जाएगा। अच्छा, आर्क लेंथ का फार्मूला आता है आपको? जी सर। आपको आता है? बताए क्या है फार्मूला? डिग्री तकसीम 360 ضرب डाया ضرب 3/14। ये किसका है? आर्क लेंथ। कार लेंथ का क्या फार्मूला? साइन डिग्री और 2 मल्टीप्लाइड है। अच्छा, एक पेंटागोन की मार्किंग कर दी जी, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर सर जी पेंटागोन की मार्किंग करनी है, 5 को सर जी 360 से तकसीम करेंगे। डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे सर। अच्छा, किसको? 5 को 360 पे, 360 को 5 पे? सर 360 को 5 पे। अच्छा, उसके बाद? और जो जवाब आएगा साइन डिग्री जो आएगी सर जी वो। अच्छा, और डिग्री और 2 मल्टीप्लाई डाय जितना दिया जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा, ये क्या है? पाइप है सर। अच्छा, पाइप वाल थिकनेस शेड्यूल के बारे में आपको पता है? जी सर। अच्छा, शेड्यूल ज्यादा या कम होगा तो पाइप पर क्या असर होगा? अगर शेड्यूल ज्यादा होगा तो उसकी थिकनेस भी ज्यादा होगी और आईडी कम होगा। अगर शेड्यूल कम होगा तो उसकी थिकनेस भी कम होगी और आईडी ज्यादा होगा। अच्छा,
आपको पता है कि एनपीएस 4 इंच का ओडी कितना होगा? 114 मिलीमीटर। अगर 6 इंच है तो फिर 160 मिलीमीटर। अगर वो 1 इंच है तो 33 मिलीमीटर। अच्छा, अगर वो है 1/8 इंच तो फिर कितना होगा? 10 मिलीमीटर।